उत्तर प्रदेश में मचे घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे बीएल संतोष, मुलाकात जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर उम्मीदों के मुताबिक सीटें नहीं मिली। इसके बाद से पार्टी के भीतर की कलह बाहर आने लगी। इसी घमासान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज शुक्रवार 26 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात उत्तर प्रदेश सदन में हो रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए आज ही दिल्ली पहुंचे। इसके साथ ही सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं नीति आयोग की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। ये लोग भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर प्रदेश की राजनीति, या यूं कहें कि राज्य बीजेपी में काफी उथल पुथल मची हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों को लेकर समीक्षा बैठक के साथ साथ राज्य के करीब 200 नेताओं, जिनमें विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसदों और संगठन से जुड़े कई लोगों से योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करके फीडबैक लिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी तो वो राज्य की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत कराएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में राज्य में उपचुनाव भी होने हैं, उसकी तैयारियों का ब्यौरा भी देंगे। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बीजेपी में चल रही सरकार बनाम संगठन की बहस के बीच मची उथल पुथल के बीच हो रहा। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उसी बैठक में योगी ने कहा था कि अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी अपेक्षित नतीजे हासिल करने से दूर रही। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री के साथ अपने बढ़ते मतभेदों की अटकलों के बीच राज्य कैबिनेट की कुछ बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक के बाद नई दिल्ली में नड्डा से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी नई दिल्ली में नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीद से कम प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।